नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं एसजीपीसी के नव नियुक्त प्रमुख प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर जी। बडुंगर जी, सबसे पहले तो आपको जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये है कि बादल परिवार का हाथ जिसके ऊपर हो, नाम उसी का लिफाफे से निकलता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ऐसे है, लोगों को इसकी प्रक्रिया जो है ना, वो सिस्टम जो है वो उसको नहीं समझते। जी जी, प्रकाश सिंह बादल अब सरप्रस्त हैं पार्टी के जी। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी। ये इलेक्शन का है और सारे वर्ल्ड में एक ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसके जो मेंबर साहबान हैं, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं जी, उनको सिंगल वोट से चुना जाता है जी। जब दूसरी पार्टी जो है, दो तीन चार जितनी मर्जी की पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ती है, वो हर पार्टी अपने अपने जी, जो उनके साथ लोग हैं उनको टिकट देते हैं जी। देन दे गो टू द पीपल, दे इफ दे गेट इलेक्टेड जी, तो वो अपना लीडर चुनते हैं, ऐसा करते हैं। इस बार का जो प्रक्रिया है जो सब ठीक स्पष्ट हो जाएगा जी। ये हमारी जो इलेक्शन है, ये 18 सितंबर 2011 हुई थी जी, हाउस कॉन्स्टिट्यूट हो गया था जी। लेकिन उसके बाद केस कोर्ट में चला गया और ये 2016 तक ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाके उसका फैसला हो गया जी। उसका जब फैसला हो गया, उसके बाद जो हर इलेक्शन में होता है जी, तो सरदार सुखबीर सिंह बादल बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ दी श्रोमणी अकाली दल जी, जो हम अकाली दल के जितने भी पेपर हैं वो बैठ गए एक तरह, और एक एक मेंबर की राय पूछी उन्होंने कि आप बताइए किसको प्रधान बनाएं, किसको प्रधान बनाएं जी, और उसको वो साथ साथ रिकॉर्ड किया गया जी। उसके बाद जो सीनियर लीडरशिप है जी, मिस्टर टींडसा है, मिस्टर पुंदड़ा है, ब्रह्मपुरा साहब हैं, मिस्टर तोता सिंह है, जो भी मिस्टर चंदूमाजरा हैं जी, वो साथ बैठते हैं, इस बार भी बैठे। उसके बाद वो डिस्कस किया जाता है कि इसके इसका नाम इन्होंने लिया, इसका नाम इतने नंबर लिया है। इस बार 150 मेंबर्स उस वक्त हाजिर थे जी, और 130 मेंबरों ने कहा कि प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर को प्रधान बनाया जाए जी, 20 ने कहा कि आप प्रेसिडेंट हो, जिसको मर्जी बना लो जी। तो कंसेंसस ऐसे हो गया कि इसको बनाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि सर्वसहमति से जो है, सर्वसहमति से हुआ, ऐसा नहीं, ये मेंबरों की राय अनुसार ही हुआ जी। जस्ट स्पोक आउट द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स जी, जी। ऐसा ही होता है पहले भी जी। ये वैसे जो जो विरोध करने वाले होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बात ऐसी वैसी करनी पड़ती है। आप देखिए सारे देश में वो सिस्टम है जी, कांग्रेस पार्टी है जी, सबसे पुरानी पार्टी है जी जी। उन्होंने जो कॉरपोरेशन में भी एक मेंबर खड़ा करना, तो उसका टिकट दिल्ली से अलॉट होता है जी, मैनेज करती है। लेकिन प्रधान जी, ये एक परसेप्शन है लोगों के मन में, ये परसेप्शन है कि ये धारणा बनी हुई है कि जो भी अध्यक्ष होता है या एसजीपीसी का जो एक तरह से कामकाज देखा जाए, उस पर शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव है। इस परसेप्शन को क्या ये जानने की जरूरत है? बिल्कुल 100% गलत है। मैं पहले दो टर्म पहले मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, एक बार भी उस वक्त सरदार प्रकाश सिंह बादल प्रेजिडेंट थे, एक बार भी कोई टेलीफोन नहीं आया कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो। वो हमारे सीनियर हैं, हॉबली वी गो वी थैंक देम, और वो कहते हैं ठीक है, आपको लोगों ने चुन लिया जी। आप जो जो आपका एक्ट है पंजाब से गुरुद्वारा एक्ट 125 और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, उनको देखते हुए अपना काम चलो ठीक। उसके बाद तो कोई ये जो विपक्ष जो है, जैसे कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो आरोप लगाता है, तो ये महज आरोप है, राजनीति? आरोप तो आरोप के लिए होता है। जब कैप्टन अमरिंदर से हमारे साथ थे ये सब ठीक था, अब वो हमारे से दूसरे पर चले गए तो सब गलत हो गया जी। अब अमरिंदर सिंह ने जिस वक्त इस्तीफा दिया जी, वो उस वक्त कह रहे थे कि काल तक थे हमला गलत है, कांग्रेस ने ऐसे कर दिया, कांग्रेस ऐसा था, उसी कांग्रेस में चले गए, फिर उसके अध्यक्ष बने, चीफ मिनिस्टर बने, अब वो ठीक हो गया। दे चेंज विद द टाइम। तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है और जो राजनीतिक नेता है वो पार्टी के हिसाब से चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे। जैसे ये एक रिलीजियस बॉडी है जी, जो हमारा गुरु है वो अमरिंदर सिंह का भी गुरु है जी, वो दूसरों का भी गुरु है, जो मानते हैं वो सबका गुरु है जी। ये उस गुरु का जो गुरुद्वारा है उसका सिर्फ सेवा संभाल है, प्रबंध है जी।
अगर कोई भी जाएगा वहाँ कीर्तन सुनेगा, अरदास करेगा, बैठेगा, लंगर में जाएगा, सराह में रहेगा, सभी के लिए ओपन है, सबका कॉमन है। राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये कठपुतली वाला जो आरोप है ये बिल्कुल महज गलत है और सिरे से आप इसको नकारते हैं? ये 100% रॉन्ग है जी। आप सोच सकते हैं कि मिस्टर गुरचरण सिंह टोड़ा इतने सीनियर मोस्ट लीडर थे अकाली दल के एंड ही इज बीन प्रेजिडेंट फॉर 26 ईयर्स, उनको कोई नॉमिनेट कर सकता था जी? ऐसे नहीं हुआ। उस वक्त भी ये कहते थे कि ये संत चंद्र सिंह बहुत बड़े संत थे जी और संत फतेह सिंह प्रेजिडेंट थे, कोई सोच सकता है कि संत फतेह सिंह को नॉमिनेट करता है? ये प्रोसेस यही है, जो इलेक्ट हुए हैं लोग प्रेजिडेंट, क्योंकि पार्टी का मुखी है वो उनकी राय जरूर लेता है जी, जिसके आज राय जिसके पक्ष में ज़्यादा राय होती है वो जी। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह सहजदारियों को जो वोट के जो पक्ष में थे, अधिकार उनको ये जो अधिकार से वंचित किया गया उससे वो नाराज़ हैं, क्या उनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए था, आपको क्या लगता है? देखो, वो नाराज़ हैं या खुश हैं इसके लिए तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं जी। जो गुरुद्वारा का प्रबंध है जी, अब आप मंदिर में जाएं जी, कोई जाए मथा टेके ऑफरिंग करे सारे जी, जो सेंटिंग सेंटोरम है उसका जो मैनेजमेंट है वो पुरोहित करता है जी, पंत करता है जी। चर्च में जाओगे तो पादरी करता है, और जब अब किसी भी संस्था में जाओगे और किसी मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में जा सब सकते हैं जी, बैठ सकते हैं, लंगर छक सकते हैं, अगर जो अंदर है वो ही करेगा जो बुलाना है, मौलवी है। इसलिए जो ये गुरुद्वारा प्रबंध है ये सिखों को ही करना है, कि उनको मर्यादा का पता है जी। वो उस फोर्ड में आते हैं, वो अमृतसर के बाद वो उस खालसा पंथ का जो विशाल दायरा है उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये सभी धर्मों में ऐसा है जी। और ये इस केस पे जो ये मेरे जब मैं पहले अध्यक्ष था उस मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था और वो केस कोर्ट में चला गया, ये पार्लियामेंट में गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, पार्लियामेंट में भी कह दीजिए ये फैसला ठीक है, ये इनका धर्म है, इनको अपने गुरुद्वारा को कैसे मैनेज करना है ये जी, राइट जी। और इसीलिए उसके बाद जो फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बात को मान लिया, और जो एग्जेक्टिव है जी, देश की जी, और जुडिशरी है, दोनों ने मान लिया। अब तो इस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है जी। कैप्टन साहब का जो उनका अपना विचार है वो जरूर रखें, वो उनको मुबारक है। प्रधान जी, 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव है, आपका जो आप नए अध्यक्ष बने हैं, किस क्या प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी, इसका सबसे जो फॉर्जेबल है वो गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट है जी। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पेजेस में जो लिखा हुआ है वो जो गुरमत फलसफा है, फिलोसफी है, उसका प्रचार और प्रसार हमारा सबसे बड़ा काम है। इसके साथ ही जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जी, जो ऑफरिंग्स हैं उसमें से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना, उसका प्रबंध करना जी, वहाँ पर कोई भेदकरा नहीं, कोई आए, कोई कॉलेज में दाखिल हो, कोई स्कूल में दाखिल हो जाए, अगर मेरा फीस माफ़ हो सकती है आपकी फीस माफ़ होगी, बिल्कुल नो डिफरेंस, नो डिस्क्रिमिनेशन जी। तो ऐसी भी जगह काम इतना है, जो हमारे मेंबर्स हैं इंडिविजुअली, अगर वो किसी को अगर आखिर कोई ना कोई जो इंडिया का वोटर है प्राइमरीली ही इज ए पॉलिटिशियन, ही हैज़ टू डिसाइड, ही इज इंडिपेंडेंट, यू से आई कैन वोट फॉर द कांग्रेस, माय वाइफ वे वोट फॉर द कांग्रेस, ये ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान हक दे दिया कि आप अपने विवेक से जिसको भी चुनना चाहें उसको वोट दे। एसजीपीसी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, ऐसे इंटरफेरेंस कभी करते ही कोई मेंबर्स को कोई इसमें कोई पैसा कोई और किसी तरह से भी अकाली दल को कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। इंडिविजुअली जो जहाँ रहते हैं वो अपने विवेक से काम करते हैं। अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार ने 500 और 1000 का जो नोट है उस पर पाबंदी लगा दी है, वो बंद कर दिया है, आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसके लिए ये प्रतिबंध लगा गया, आपको लगता है सही समय पर सही फैसला है? ऐसा देखो, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई फील के जो बहुत रौड़ा था कि बड़ी करप्शन का पैसा है, बड़ा काला धन है, ऐसा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की है मोदी साहब ने जी, वो बहुत अच्छी है जी, और इसके जो परिणाम हैं
मेरा ख्याल है बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत अच्छे निकले। आपको लगता है अध्यक्ष जी की रोक लग पाएगी काले धन पर? ये तो मोदी साहब बता सकते हैं जी, बट ये वो जो डिसीजन है आई से इट्स ए वेरी गुड डिसीजन। पंजाब में जो 2017 में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, ये माना जाता है, ये परसेप्शन है, पहले भी चुनाव में जो विधानसभा हो या लोकसभा, काले धन का इस्तेमाल होता रहा है, उसमें ये लगाम लगेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? सर्टनली, जब 10,000 का नोट है, 500 का नोट है, वो ख़त्म हो गए, उनको कोई वैल्यू नहीं रही, न्याय तो उतना ही मिलेगा जितने कोई एंटाइटल्ड है जी, सर्टनली लग जाएगी जी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि काले धन का बड़ा हिस्सा जो है वो ड्रग तस्करी, उसमें भी इस्तेमाल होता है। पंजाब में नशा बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है, क्या ये फैसला तस्करों पर लगाम लगा? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो, हमारे सत्कार भाई हैं, वो लाहौर के रहने वाले हैं, उनके जो नान का घर वो अमृतसर में है, वो पंजाबी हैं, प्योर पंजाबी हैं, तो वो आप जानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में बहुत कुछ हो रहा है, उससे पंजाब में बहुत कम है। और अगर वर्ल्ड की आप देखोगे, एवरी कंट्री इज एयरिंग विद इट, सभी यहाँ पंजाब बहुत कम है। देखिए अध्यक्ष जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा या कम, मैं कह रहा हूँ कि नशे की जो तस्करी है उसमें जो काला धन इस्तेमाल होता है, कहाँ से आएगा? उसमें लगाम काला धन ही रहेगा, काला धन नहीं रहेगा ना जी, कहाँ से आएगा? इट विल बी न्यू एटमोसफियर जी, काला धन है ही नहीं, खत्म हो गया जी। दूसरा, SGPC की तरफ से और इश्यूज की बात की जाए, अगर शिक्षा की बात की जाए, उस पर काफ़ी काम किया गया, लेकिन नशे को लेकर जो है जिस तरह से पंजाब में बात होती, जो भी जितना भी नशा है, युवा जो नशाओं में, उसके लिए SGPC द्वारा क्या किया गया पिछले कई बात तो बहुत बता चढ़ा के बताया जा रहा है कि पंजाब में इतना है, वो डोप टेस्ट हो गए और हो गए, सब कुछ आपने देख लिया जी। SGPC का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जी, वो सभी UGC के सिस्टम के अंदर हैं जी, जो उसका सिस्टम का मैनेजमेंट है सब ऐसे होता है जो UGC की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी, जी। जो ये नशे की बात है, कोई और दूसरी बात है, कोई इंस्टीट्यूशन हो, SGPC को दूसरी तीसरी हो जी, अध्यापक और इंस्टीट्यूशन का ये एक प्राइमरी फर्ज बनता है कि हम अच्छे शहरी पैदा करें, अच्छे शहरी पैदा करें, अच्छे पदे उनका आदत अच्छी हो, ये नशे से दूसरी तीसरी बातों से बचे रहें, ये हम करते हैं, आप भी करेंगे, और इसमें कोई रोक नहीं, पहले भी होता है, हम भी करेंगे। अध्यक्ष जी, SGPC की जो प्रधान की आपको जब मिली, तो आपने एक फैसला लिया कि जिस तरह से पहले तस्वीर जो है SGPC अध्यक्ष की लगाई जाती थी और इश्तिहारों में आती थी, उस पर आपने लगाम लगा दी, उसके लिए आपने मना कर दिया, ये ट्रेडिशन से हटकर ऐसा क्यों किया? ये पहले भी ऐसा ही था, मैं जो पहले अध्यक्ष बना तो उस वक्त मैंने पहला ऑर्डर जो पाया था ये पाया था, अभी मैंने जो पहला ऑर्डर पाया यही पाया है। जो SGPC है या कोई और इंस्टीट्यूशन है जी, ये इसलिए नहीं है कि जो इंडिविजुअल है, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई और बन गया, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए नहीं है जी, तो पैसा लोगों के जरूरियात जो हैं उनको पूरी करने के लिए प्रत्याय के लिए, इसलिए उसको कुछ जरूरत ही है नहीं जी, कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया, पहले बंद कर दिया जी। जो अखबार में भी इश्तिहार जाएगा वहाँ पर ये तो लिखा गया प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, लेकिन उसमें कोई फोटो नहीं होगी जी, गुरुद्वारा अकाल पुरख का घर है, रब का घर है, परमात्मा का घर है, हरि का घर है, अल्लाह ताला का घर है, वो ही बड़ा है जी, उसका एहसास होना चाहिए कि वही है, यहाँ यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक इंडिविजुअल क्या होता है, आज मैं अध्यक्ष हूँ, परसों नहीं था, कल को नहीं रहूँगा, लेकिन बात इस ये बेटर करती है कि मैं क्या करता हूँ, जो मेरे से जो लोग हैं देश के जी, खालसा पंथ है, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सकता हूँ नहीं, दैट इज़ ओनली बिग क्वेश्चन एंड आई ट्राई कि जो हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जी, कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन हैं, जो गुरमत फलसफे है जी, उसके अनुसार काम किया, अभी ट्राई मैं होल टीम कि हम उसी तरह से काम करने का यत्न करेंगे जी। प्रधान जी, श्रद्धालु जो है, सिख संगत जो है, SGPC को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, ये मिनी नहीं फुल पार्लियामेंट है जी, मिनी तो वो ही ना, उसके ऊपर और पार्लियामेंट है, ये वर्ल्ड में बस जो रहते हैं सारे सिख, उन सबों की एक पार्लियामेंट है, सिख पार्लियामेंट जी,
इट्स नॉट सबॉर्डिनेट टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सिख पार्लियामेंट से जो आम श्रद्धालु है न्याय की उम्मीद करता है, आप वो सुनिश्चित कर पाएंगे आपका टेन्योर जब तक कि उनको न्याय मिलेगा? देखिए, छोटा हो बड़ा हो जी, जो धरती पे पैदा हुआ है मनुष्य वो अधूरा होता है जी। परमात्मा ने उसको अधूरा ही पैदा किया है जी। उसे कुछ काम करना होता है, वो काम से अपने उस जीवन में उसको पूरा होना होता है जी। जो काम है, जो चुनौती है, चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, माई सर माई टीम विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पर पूरा हो सके, उनको फुलफिल कर सकें। आपको अध्यक्ष जी क्या लगता है चुनौती क्या है आपके सामने, बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, इससे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, राइट फ्रॉम द डे वन मैन केम ऑन दिस अर्थ, ये जो लाइफ है ये गतिशील लाइफ है, ये चलती है चलती है जी। और समटाइम वी फील कि ये तो खड़ी है, समटाइम ये बहुत तेज होगी, और एवरी डे एवरी पल नई चैलेंज होती हैं। वो चैलेंज को हर इंसान को, एवरी मैन एवरी वुमन हैज़ टू फेस, दे हैव टू सॉल्व। सम पीपल नीचे हो जाते हैं, फेस नहीं कर सकते, सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन कुछ फेस करते हैं जी। जो सिख फलसफा है उसका जो उद्देश्य है, उपदेश है कि उसको फेस करना है जी। जो गुरु साहब ने जैसे किया है जी, फेस किया है, कुर्बान तो हो गए लेकिन उन्होंने फेस किया जी। तो ये जो खालसा पंथ वाले लोग हैं वो अपने गुरु साहब से का दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलेंगे, उस पर चलते हैं। ऐसा ना होता तो पहले चैलेंज अगर भूल भी जाए तो जो 26 जून 1975 को एमरजेंसी लगी उसी वक्त मोर्चा लगा दिया, सब मेंबर एसजीपीसी, प्रेसिडेंट एसजीपीसी, दे वर ऑल जेल्स जी। वी फेस द चैलेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे लगी, सारा देश आज़ाद हो गया जी। 17 जनवरी 1977 को होया और एमरजेंसी ख़त्म हुई, आज़ादी बहाल हो गई, इलेक्शन आ गई, इंदिरा जी हार गए और सरकार डिसाई जी की बन गई। तो ये जो ये डेली की चैलेंजेस हैं, आप ऐसे इनको परसीव भी नहीं कर सकते कि आज नेक्स्ट पल क्या हो जाएगा जी। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान में झगड़ा होता है, कुछ लोग आते हैं, अफगानिस्तान में होगा जी, ऐसे ऑलवेज सडन होता है जी। तो एचजीपीसी उनको संभालती है, खाना देती है, बस्तर देती है, रहने के लिए देती है जी। ऐसे जहाँ कहाँ 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 तक चले गए, सुनामी में, सुनामी लहर आई वहाँ भी चले गए जी। ये एवरी डे देयर इज ए न्यू चैलेंज, एचजीपीसी ऑलवेज रेडी। यू आर सेइंग दैट एचजीपीसी इज रेडी टू फेस एवरी ईच एंड एवरी चैलेंज। वी हैव ऑलवेज बीन फेसिंग इट एंड वी हैव ऑलवेज बीन विनर। अब भी कोई ऐसा होगा तो जरूर जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, पंजाब में आपने खुदकुशी की बात की, सुसाइड की बात की जाए, किसान जो है, किसान तबका जो है, कुछ चाहे वो ये कहा जाए कि लोन्स की वजह से या दूसरी वजह से खुदकुशी कर रहा है, एसजीपीसी इसमें क्या कर सकती है? एसजीपीसी सुसाइड है जो है, ये एसजीपीसी का क्वेश्चन नहीं है जी। जहाँ कहीं कोई ऐसा होता है जी, तो एचजीपीसी भी उसको बदत करती है जी। जो हमारे जितने सोर्स उसके अनुसार उनको बदत करते हैं जी। कैंसर के केस हैं, एचजीपीसी ने फंड बना दिया, एचजीपीसी गो टू देयर हाउसेज के ये मतलब। लेकिन इसमें भी अध्यक्ष जी आपको नहीं लगता कि पंजाब का जो किसान है, पंजाब की जो किसानी है, उसको बचाने के लिए एचजीपीसी को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए? एचजीपीसी के पास जितने सोर्स हैं उसके अनुसार वो काम करती है जी। इससे जगेटिक क्वेश्चन, और ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट पैसे भी देती है, सब कुछ देती है। और ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं इसके डिफरेंट रीजंस हैं जी। एचजीपीसी तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जी। तो जितना हमारे पास सोर्सेज हैं उसका हम वी गो देयर, वी रीच टू द पीपल एंड वी हेल्प देम, मदद करते हैं, करते हैं, करते आ रहे हैं जी। जो पूर्व अध्यक्ष थे जथेदार अवतार सिंह मक्कर जी, उन्होंने शिक्षा में एसजीपीसी की तरफ से बहुत काम किया, उनकी प्रायोरिटी रही है, आपकी क्या प्रायोरिटी है? मैं तो शिक्षा से आया हूँ, मेरा डिपार्टमेंट शिक्षा से है, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाया भी है, तो मैंने तो शुरू ही किया था जी। इसको और अच्छा बनाएंगे, और अच्छा बनाएंगे, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट जी। आप मानते हैं कि कुछ अधूरे काम जो है पूर्व अध्यक्ष के उनको पूरा? मैंने पहले भी आपको बोला कि ये आदमी भी अधूरा है,
काम भी अधूरे हैं, उनको पूरा करना ही जिंदगी है। तो हम जिंदगी जिएंगे, जो अधूरा है उसको पूरा करने का यत्न करेंगे। जी, दूसरा, 84 दंगों पर यह कहा जाता है कि राजनीति की जाती है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी 84 का जो मुद्दा है, ये जो करते हैं आप उनसे उनको पहचानिए ना, जो लोग 84 के इलेक्शन के समय श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कंटिन्यूसली इसके लिए संघर्ष कर रही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता डिले हो गया, देर हो गई कहीं ना? बहुत डिले हो गया, मगर जो देश है इसमें हम नहीं चाहते कि दोबारा से कोई ऐसा कोई टेंशन हो। जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, कोई डेपुटेशन ला के जाने का है, उसको परसू करने का पीसफुल मीन्स, तो ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं। अकाली दल भी करता है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। वो जिनको 84 याद आता है वो और लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जी। वो और दो अपोनेंट पर्सन पहले क्यों नहीं वोटते, वो ही हैं जिन्होंने ये किया था, वो इसको रेज करते हैं, वो रेज करते हैं। दे डोंट से इंदिरा गांधी ने किया था, ये बडुंगर जी, विदेशों में सिक्कों पर जो है लगातार हमले बढ़े हैं पिछले कुछ अरसे में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो SGPC का जो प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, खामी है? SGPC के प्रचार की कमी है नहीं है, ये तो आप देख लेंगे। कैनेडा में डिफेंस मिनिस्टर सिख है जी। अगर ऐसा हो तो सिख डिफेंस मिनिस्टर कैसे बनेगा? अमेरिका में बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं जी, जो उनके जो प्रोविंसेज हैं वहाँ पे प्रीमियर हैं, दूसरे देशों में भी बड़े बड़े हैं। आपने देखा कि ओबामा जी में बहुत बड़े बड़े जो अहदे हैं ऑफिसेज हैं वो सिखों को दिए गए। ऐसा नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है, जो 1914 में कामाघाटा मारू किसी ये हुआ, बड़ी 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 ट्रेजडी हुई थी जी। तो उस वक्त ये था कि पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे हैं जी, ये कम पैसों पे ज़्यादा काम करते हैं और उन्होंने हमारा काम खो लिया जी। एक तो ये धारणा थी, ये धारणा थी। दूसरा, जब बाहर से कोई आदमी जाएगा हमारे घर में कुछ देर रहेगा जी, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, वो उसका जो कल्चर है उस पर भी असर पड़ता है। ऐसे भी सोचा जाता है कि हमारा कल्चर पे भी ऐसा कर दे, पर आप जो विश्व को देख लें, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ सिर्फ उस कंट्री के ही लोग हों, डिफरेंट कंट्री से आते हैं। इट्स नाउ इट्स बिकमिंग वन विलेज द होल वर्ल्ड, मल्टी कल्चर, इसलिए वो मल्टी कल्चर बन गया, मल्टी नेशनल बन गया, मल्टी लिंग्वल बन गया। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है लोकल लेवल पर होता है। SGPC के प्रचार की कमी नहीं है, ये हमेशा होता है। अब देखिए, ये जो मामडम्स हैं, दे हैव 37 कंट्रीज, वहाँ भी झगड़ा है, वहाँ तो कोई दूसरा नहीं है जी, वो CSO नहीं लड़ रहे हैं जी। एक और रीजन होते हैं जी, ऐसा कम है। अगर जो ऐसा महसूस किया जा रहा है जी, उसको मान लिया जाए जी, तो हम ऐसा वी आर श्योर कि वहाँ पे और प्रचार किया जाए, बताया जाए, उन जो उनके अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर उन्हें बताया जाए कि ऐसा आप हो रहा है, इसको आप करना जी। अध्यक्ष जी, अमेरिका में भी एक बड़ा पंजाबी तबका है, आपको लगता है कि वहाँ पर नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मिलकर काम करना, उनके साथ बात करना, ताकि इस तरह के जो हमले हुए, नस्लभेद हमले हुए या दूसरे तौर पर जो है पहचान की अगर दिक्कत है, तो इस पर उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा? पहले जो रहे उनके साथ ही बात करते रहे हैं और उन्होंने थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करने का भी यत्न किया। जो नए मिस्टर ट्रंप आए हैं, लेट हिम सेटल डाउन, देन वी बीट हिम एंड रेज दिस क्वेश्चन विद हिम जी। आपको लगता है जिस SGPC ने काम तो किया इस पे, लिटरेचर के जरिए हो या फिर ऐप के जरिए हो, लेकिन और भी कदम उठाए जाने जरूरी है? व्हाट एवर इज पॉसिबल टू, जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे, जरूर करेंगे जी। अध्यक्ष जी, SGPC का जो बजट है माना जाता है कि 800 करोड़ के करीब है, धर्म प्रचार पर कितना खर्च किया जाता है? श्रद्धालु हमेशा कहते हैं, उनको ये लगता है कि धर्म प्रचार जो पर जो पैसा है वो कम खर्च होता है। ये जो पंजाब सिख गुरुद्वारा एक्ट है जी, 1925 जी, उसमें सब कुछ लिखा होगा, इतने % धर्म प्रचार पर रहेगा, इतना शिक्षा पर रहेगा, इतना इतने, वो उसमें SGPC कुछ नहीं करती, वो पार्लियामेंट का एक्ट है, उतना ही करना है। अगर 100 रुपया है तो उसको सिर्फ बांटना है SGPC ने जी,
मांट रहे हैं, वो लगाना ही पड़ता है, लगाने लगाते हैं जी। और वो इधर इधर नहीं एडजस्ट हो सकता, सिख जो एजुकेशन का एजुकेशन भी लगेगा, जो रिलीजियस का वो उस पर लगेगा जी। ऐसे वो लोगों को पता नहीं है कि ये एक्ट में ही है कि इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट यहाँ लगाना है। तो उनको असंतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा, सही तरीके से जो एक्ट में कहा गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उनको पता नहीं है कि वो समझते हैं गुरुद्वारा का जो प्रबंध वो एक ऑटोमेटिक है जी। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं है, इट्स गवर्न अंडर द एक्ट जी। अध्यक्ष जी, दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जब बढ़ा उसके बावजूद भी गुरु पर्व पर जो है जत्थेबंदियों को जो है पाकिस्तान भेजा गया, किसी तरह का डर सुरक्षा को लेकर? ये डर सुरक्षा का नहीं होता, हम भारत के रहने वाले लोग हैं जी। आप महसूस करोगे टेंशन है जी। और इसके लिए हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जी, उनसे ये इंश्योर कराते हैं कि आप अपने फॉरेन चैनल से ये इंश्योर कर लें, अगर जो हमारा जत्था जाएगा जी, उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी, जब वो क्लियरेंस देते हैं, then it becomes the responsibility of the country where the people are going. So that process is adopted. कई सिख जत्थेबंदियां जो है सरबत खालसा बुलाना चाहती हैं, आपको लगता है कि सरबत खालसा बुलाए जाने की? सरबत खालसा समझे, सरबत का मतलब है the whole world, everybody involved in that. वो ऐसा कोई फैसला होना हो तो कैसे करेंगे सारे सरबत का, उसका कोई सिस्टम है जी, सिस्टम है जी। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों के लिए, आप बताएंगे कि सिस्टम क्या है, क्यों सर्वे खालसा बुलाया? आपको बताना चाहता हूँ, वो एक कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एस्टेब्लिश ट्रेडिशन हैं जी, वो उन पे थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो रहा है जी। तो मेरा ये काम होगा कि उन सब हमारे भाई हैं उनको साथ रहेंगे, बैठेंगे और बैठ के कोई कॉमन फैसला करेंगे और कोई कॉमन डेटा वो ऐसा सिस्टम अरेंज करेंगे, और मैं आप उनको मिलूंगा, उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, ये बैठ मिल बैठ के करने की बात है, वो आई ट्राई कि उन सबको साथ लेंगे हम जी। अध्यक्ष जी, पंजाब विधानसभा चुनाव है 2017 में, उसमें कई नई पार्टियां आई हैं, आपको लगता है कि उससे जो है एक नया ट्रेंड होगा, नया ट्रेंड उभरेगा पंजाब में 2017 में, शिरोमणि अकाली दल को जो है किसी तरह का नुकसान होगा? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो पॉलिटिशियन है पॉलिटिकल पार्टी है उनसे पूछिए। नाउ आई एम प्रेजिडेंट ऑफ द एचईबीसी, नॉट ऑफ द अकाली दल। बट आपकी निजी राय क्या है? इसमें निजी राय नहीं होती है जी। मेरा जो फर्ज है वो मैं करूँगा, एचईबीसी का जो रोल है सोशल रिलीजियस उस पर मैं पूरा उतरने का यत्न करूँगा जी। एक आखिरी सवाल आपसे, आप एसजीपीसी के अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष के तौर पर आपका काम एसजीपीसी का कार्यकाल चुनाव पर उसका प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर कृपाल सिंह जी के अपने और शौक क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं? इंटरेस्ट की बात नहीं है, एसजीपीसी जो है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा द होल वर्ल्ड में जितने सिख हैं वो क्या चाहते हैं जी, कैसे कैसे करना चाहते हैं, उनका सभी का कंसर्न एक ही है कि जो गुरु साहब की फिलॉसफी है, गुरु साहब की विरासत है, गुरु साहब का इतिहास है, उसको लोगों के पास पहुँचाया जाए जी। अब सबसे ज़्यादा जो है ये वातावरण का है, प्रोन्नत का हो रहा है, ये गुरबत में इसको मानता नहीं है जी, इसका प्रचार प्रसार करना ही एसजीपीसी का काम है, वो हम कर रहे हैं और तेज करेंगे जी। तो पंथ और सियासत अलग अलग चलेगा? आप पंथ को समझ ही नहीं सकते, पंथ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको समझना बहुत औखा है, पंथ इंक्लूड द होल गैमट ऑफ थिंग्स जी, सियासत भी उसमें आ जाती, सब कुछ है, धर्म भी है, राजनीति भी है उसमें, धर्म अर्थ काम मोख सब कुछ है जी, जो हर मनुष्य की जिंदगी के पहलू हैं चार, वो चार ही उसमें है जी, चार ही उसमें है। प्रोफेसर जिसको समझने की जरूरत है, आपने वेद पढ़ो जाके, चार वेद हैं, ऋग वेद है, शाम वेद है, अजुर वेद है, अथर्व वेद है जी, वो चार है, वो यही है, धर्म अर्थ काम भूख इतना ही है, गुरु ग्रंथ साहब एक में है, वो डिफरेंट में है जी, ठीक है, छः शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, यही फिलॉसफी है कि ऐसा जीवन भी नहीं है। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में ये है कि ऐसे करेक्टर का
जो मनुष्य होना चाहिए मॉडल। अध्यक्ष जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे SGPC के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार। विदेशों में सिक्कों पर जो है लगातार हमले बढ़े हैं पिछले कुछ अरसे में। SGPC का जो प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, खामी है? SGPC के प्रचार की कमी है नहीं है, ये तो आप देख लेंगे। कनाडा में डिफेंस मिनिस्टर सिख है जी। अगर ऐसा हो तो सिख डिफेंस मिनिस्टर कैसे बनेगा? अमेरिका में बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं जी। जो उनके जो प्रोविंस हैं वहाँ पे प्रीमियर हैं जी। दूसरे देशों में भी बड़े बड़े हैं। आपने देखा कि ओबामा जी में बहुत बड़े बड़े जो अहदे हैं हाउसेज हैं वो सिखों को दिए गए। ऐसा नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। ये पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान से जो लोग आ रहे हैं जी, ये कम पैसों पे ज़्यादा काम करते हैं और उन्होंने हमारा काम खो लिया जी। एक तो ये धारणा थी, ये धारणा थी। दूसरा, जब बाहर से कुछ आदमी जाएगा हमारे घर में कुछ देर रहेगा जी, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। SGPC के प्रचार की कमी नहीं है, ये हमेशा होता है। जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। बादल परिवार का हाथ जिसके ऊपर हो, नाम उसी का लिफाफे से निकलता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ऐसे है, लोगों को इसकी प्रक्रिया जो है ना, वो सिस्टम जो है वो उसको नहीं समझते जी। जी, प्रकाश सिंह बादल अब सरप्रस्त हैं पार्टी के जी। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी। ये इलेक्शन का है और सारे वर्ल्ड में एक एक ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसके जो मेंबर साहबान हैं, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं जी, उनको सिंगल वोट से चुना जाता है जी। जब दूसरी पार्टी भी है, दो तीन चार जितनी मर्जी की पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ती है। वो हर पार्टी अपने अपने जो उनके साथ लोग हैं उनको टिकट देते हैं। अकाली दल के जितने भी पेपर हैं वो बैठ के एक तरह और एक एक मेंबर की राय पूछी उन्होंने कि आप बताइए किसको प्रधान बनाए, किसको प्रधान बनाए। उसके बाद वो डिस्कस किया जाता है कि इसके इसका नाम इन्होंने लिया, इसका नाम इधर नंबर लिया। इस बार 150 मेंबर्स उस वक्त हाजिर थे जी। और 130 मेंबरों ने कहा कि प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर को प्रधान बनाया जाए जी, जी। 20 ने कहा कि आप प्रेसिडेंट हो, जिसको मर्जी बना लो जी। तो कंसेंसस ऐसे हो गया कि इसको बनाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से जो है, सर्वसम्मति से हुआ, ऐसा नहीं, ये मेंबरों की राय अनुसार ही हुआ। ये जस्ट स्पोक आउट द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स। कई सिख जथेबंदियां जो है सरबत खालसा बुलाना चाहती हैं, आपको लगता है कि सरबत खालसा बुलाए जाने की? सरबत खालसा समझे, सरबत का मतलब है द होल वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन दैट। अगर कोई ऐसा कोई फैसला होना हो तो कैसे करेंगे सारे सरबत का, उसका कोई सिस्टम है जी। तो मेरा ये काम होगा कि उन सब हमारे भाई हैं उनको साथ लेंगे, बैठेंगे और बैठ के कोई कॉमन फैसला करेंगे और कोई कॉमन डेटा वो ऐसा सिस्टम अरेंज करेंगे और मैं आप उनको मिलूँगा, उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। ये बैठ मिल बैठ के करने की बात है, वो आई ट्राई कि उन सबको साथ लेंगे हम जी। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की, डायरेक्ट विद दिनेश में। हमारा आज का सवाल है कि क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHS पेज दीजिए Y और ना के लिए टाइप कीजिए ZPHS पेज दीजिए N और अपने जवाब 57575 पर SMS कर दीजिए। और इसी के साथ ही आप हमें अभी कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1800-1803535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें अपनी राय दीजिए। हरजिंदर जी तरन तारण से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हरजिंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहते कमेटी केंद्र सरकार और RSS बादल तो आजाद नहीं होंगी, उन्होंने चक्रे सरबत खालसा कोई भूमिका नहीं निभा सकती।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका राय रखने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बेहद मायने रखती है। आपने अभी अभी डायरेक्ट विद दिनेश देखा और उसमें एसजीपीसी के नए चीफ जो हैं, नए प्रधान हैं, प्रोफेसर कृपाल सिंह बडुंगर के साथ बातचीत हुई, तो अपनी राय दीजिए। नवदीप जी फरीदकोट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नवदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। लगता है नवदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दिलबाग जी तरन तारण से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलबाग जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल दिलबाग जी। सर जी ये सरबत खालसा जी ये होना चाहिए सी, ये जी एसपीसी आ जी। हाँ जी, उस विच वो तो सरपंच जी निकल सकते हैं, जे एसपीसी पहल करे तो बहुत वधिया हो सकता है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। सरबत खालसा जो कि पहले 10 तारीख जिसके लिए तय की गई थी बुलाने के लिए, लेकिन फिर बाद में उसको अब टाल दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 1800-180-3535। अमृतसर से मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अमरीक सिंह भुल्लर। हाँ जी अवनीश जी बोलिए। मैडम जी जिला बडूंगर साहब ने सरबत खालसे वास्ते दस्या ना जी। हेलो जी जी बोलिए। वो बहुत सराहनीय भी उन्होंने कहा भी सरबत खालसे जे साडे भरा ने इन्हां नूं मिल बैठ के इन्हां नाल समझावांगे सारा कुछ करांगे। ये बहुत सोहना उन्हां दा सवाल है, बहुत वधिया है। प्रधान ने इन्हां ने जी बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। कश्मीर सिंह जी हमारे साथ जालंधर से जुड़ चुके हैं। कश्मीर सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो सरबत खालसा है जी, ये पंजाब के भले के लिए है और इसको जी ये एसपीपी का जो ये इसके कृपाल जी अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कीजिए जब भी कॉल करते हैं आप, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट हम तक पहुंच सके। हम आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, सवाल हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, आप उस पर अपनी राय साझा कीजिए। क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए? हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जी गुड़गांव से। देवेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैडम जी मैं बेनती ये करना वा कि ये सरबत खालसा नहीं इकट्ठा कर दे जी, मान ग्रुप अपने बंदे आप कठे करते हैं। सरबत खालसा सिर्फ पंजां तख्तां ते ही कठा हो सकता है। सरबत खालसे का मतलब यह होंगे कि आल इंडिया के सिख एक थां ते एकत्र होकर अपने फैसले ले जान। जी शुक्रिया आपका। दिलबाग जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलबाग जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक जो बादल परिवार एसजीपीसी में इंटरफेयर करता रहेगा सरबत खालसा हो ही नहीं सकता। जो सिख होंगे एक नहीं होने देंगे जो ये बादल परिवार है। जी शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। मंजीत जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं होशियारपुर से। मंजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैं बोलना चाहता हूँ, जेडे सरबत खालसा आ किसी मतलब के श्रोमणी कमेटी तो हम बुला नहीं सकती जी, ना तो इन्हों की कोई इन्हों की हैगी है जी। ठीक है जी, होने चाहिए सरबत खालसा जी जो अपने चुने हुए चुने हुए जत्था उसमें सद्या जी ठीक हो मुताबिक हो जी। जी शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए? हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए, हमें फोन कर सकते हैं इस वक्त, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बलदेव जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरन तारण से। बलदेव जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी कहने की सरबत खालसा मनाना चाहिए श्रोमणी अकाली दल। ठीक है शुक्रिया आपका। और अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, क्योंकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाती है। हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम कम करके हमें कॉल कीजिए, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट पहुंच सके। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दीजिए। क्या सरबत खालसा पर एसजीपीसी को सार्थक पहल करनी चाहिए?
हमारा नंबर है 1800-1800-3535। इस नंबर पर आप हमें अभी कॉल करके राय दे सकते हैं और इसी के साथ ही मैसेज के जरिए भी आप हमारे साथ राय साझा कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो टाइप कीजिए ZPHS स्पेस दीजिए Y और ना के लिए टाइप कीजिए ZPHS स्पेस दीजिए N। बलदेव जी फिरोजपुर से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। बलदेव जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं मैडम जी के जो सरबत खालसा बुलाया गया था जी, वो जब सिख पंथ डिफिकल्टी में पड़ता है या मुश्किल में पड़ता है तो तभी बुलाया जाता है जी, क्योंकि किसी को भी गुरु ग्रंथ साहब का या जो साढ़े गुरु साहब। बलदेव जी सवाल हमारा ये है कि क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए? जसबीर जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं बठिंडा से। जसबीर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जसबीर जी बोलिए। सर आप एक बार अपना जवाब रिपीट कर दीजिए। हमारा सवाल है कि क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसको सार्थक करनी चाहिए। शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों से अपील है कि जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लीजिए और सवाल लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। जालंधर से बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं ये कहना चाहता जी SGPC के ऊपर हावी रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, सरबत खालसा नहीं करवाने देंगे जी। ठीक है, शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो सवाल जो हमने आपसे पूछा था उस पर राय भी आपकी पहुंच चुकी है मैसेज के जरिए। सवाल था कि क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए और इस पर आपकी राय जो है मैसेज के जरिए हम तक पहुंच चुकी है। 95% दर्शकों को लगता है कि सरबत खालसा पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सार्थक पहल करनी चाहिए, वही आगे आकर जो है सरबत खालसा पर काम कर सकती है। और हमारे साथ अभी इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं रतन जी लुधियाना से। रतन जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो हमारे श्रोमणी कमेटी के ऊपर दावत हैं जो बैठे हैं मजाक बुला के निकाल ये जो धर्म और इन्होंने भी इन्होंने इसी सिद्धांत को छोड़ा। सर हमारा सवाल जो है वो जो ये है कि क्या सरबत खालसा पर SGPC को सार्थक पहल करनी चाहिए और हम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि इसी से जुड़े हुए सवाल पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए और राय मैसेज के जरिए भी हम तक पहुंच चुकी है। जो अब तक हमारे पास मैसेजेस आए हैं उसके हिसाब से 95% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है जबकि 5% दर्शकों ने ना में अपनी राय रखी है।